जैसे राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज कुछ खास रेखाओं के विषय में बात करेंगे, खासकर जिनके होने से राजयोग की उपस्थिति होती है, उनका निर्माण होता है और आपके जीवन के लिए काफ़ी बेहतर होता है, खासकर धन से संबंधित और जीवन में सुख सुविधा, मान सम्मान, और वो भी एक छोटे से समय के लिए नहीं अपितु एक लंबे समय के लिए, यानी कि लाइफ लॉन्ग जो आपके साथ ही चलती होती है। आइए उन रेखाओं के विषय में जानते हैं। देखो, जब भी आपकी लाइफ लाइन और फिट लाइन ये आके मर्ज करने लगे ना आपस में, जब भी कभी, तो ये एक बेहतरीन स्थिति होती है। जैसे बेस होता है ना, कि अगर बेस आपका बेहतरीन है तो आगे भी चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे आपने बचपन में अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है तो आगे आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाती है। आपके अंदर अगर संस्कार है तो आगे वही दिखेंगे, यानी जो फाउंडेशन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें आपस में मिल जाती है ना, तो एक बहुत ही अच्छे फाउंडेशन का निर्माण करती है, जो कि भविष्य में आपके भाग्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति होती है। क्योंकि बहुत कम हथेलियों में ऐसा देखा जाता है कि दोनों आपस में आके ऐसा मिल जाए। ठीक है, अगर आप बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी हथेलियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि सीधे आके नीचे चली जाए, नीचे चली जाए वो सबसे अच्छी। लेकिन अगर नीचे नहीं जा पा रही है तो यहाँ पे आकर अगर ये टच कर जा रही है, जिसमें कि आपकी फिट लाइन भी साथ में है, तो एक बेहतरीन स्थिति है। यानी कि जो नीचे सपोर्ट नहीं मिला वो आगे व्यक्ति के जीवन में मिल रहा है। ठीक है, और इसके साथ अगर कोई बेहतरीन रेखाओं का तालमेल या कोई अच्छे चिन्ह का मेल हो जाए तो वो निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा बेहतरीन स्थिति को दर्शाता है। तो इस हथेली में जैसी ये परिस्थितियाँ बन रही है, उसी से आपको हम संबंध कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ऊपर से यहाँ से आई मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के उतार चढ़ाव का भी जीवन पे, हर एक क्षण पे, हर एक पल पे, हर एक सोच पे, आपकी प्रकृति पे भरपूर असर होता है। ठीक है, तो ये रेखा आगे, चूंकि ये फिट लाइन के साथ शाखा के रूप में, लेकिन एक बहुत ही मजबूत शाखा के रूप में इनका निर्माण हुआ है, जिसमें जीवन रेखा का भी सहयोग व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी और सुफल कारक हो जाता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है और हमेशा तीव्र गति से अपने मंजिल की तरफ कूच करता है, यानी कि बढ़ता होता है। अब यहाँ पे क्या है, जीवन रेखा की स्थिति भी आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रूप से ऊपर की तरफ गई है और हृदय रेखा में जाके समाहित हो चुकी है, जैसे कोई नदी समंदर में जाके अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उस प्रकार से। ठीक है, देखो, फिट लाइन की भी कई दफ़े बात होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें बहुत लंबी फिट लाइन है लेकिन काम नहीं कर रही है। मैंने कई दफ़े एक्सप्लेनेशन इस पर दिया है कि पौधा छोटा ही हो लेकिन अच्छा हो तो बेहतर हो। ठीक है, दुनिया में इंसान हर एक कद का ठीक होते हैं, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, लेकिन क्या उससे उनके टैलेंट पे असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस कितनी है, सकारात्मकता कितनी है, टैलेंट क्या है और आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आपका नज़रिया क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है आपको विश्वविख्यात करने के लिए या कुख्यात करने के लिए। ठीक है, तो अगर फिट लाइन छोटी हो, इससे ज़्यादा इशू नहीं करना चाहिए कि शायद उसके कारण मेरे जीवन में कुछ कमियाँ आने वाली है। ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी है, और अगर बहुत बड़ी है और खोखली है तो क्या फ़ायदा है फिर। ठीक है, खोखली इन द सेंस कहीं से कोई काटे ना, कहीं से खंडित ना हो, और स्ट्रेट, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ रूप से हेल्दी हो और आगे तक गई हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस खास राजयोग के विषय में, जो कि इस क्षेत्र में बनती है और आपके फैट लाइन, हेड लाइन एंड लाइफ लाइन का बहुत ही बेसिक सपोर्ट के साथ ये तैयार होती है। और अगर ये अखंडित, यानी कि कहीं से भी टूटा ना हो, किसी रेखा ने भी काटा नहीं हो, या बहुत ज़्यादा शाखाएं इसमें ना निकली हो, ठीक है, शाखाएं निकलने से क्या होता है, उसका बल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक बच्चे हो तो पालन पोषण अच्छे से करोगे, 5-6 हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, तो ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये पुष्ट रूप से बनी है, स्पष्ट बनी है, ये बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति को प्राप्त करेगा, धन को प्राप्त करेगा और सकारात्मकता से अपनी चीज़ों को प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। ये बहुत ही सुंदर होता है, जो कि आपके जीवन में हमेशा धन की गति को बनाए रखता है और बेहतरीन अवस्था में रखता है।
ठीक है, अब पूरी जब आम की एनालाइज करते हैं तो उसके फल आपको उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग दिख सकते हैं। इसकी चूंकि जिस पाम पे मैं कर रहा हूँ इसकी फुल ऑलरेडी अवेलेबल है, और वीडियो के लास्ट में आप उसको देख भी पाएंगे उसके लिंक के विषय में, ठीक है। एंड दूसरी हो जाती है यहाँ पे जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इस बीच में, और चूंकि पहले से यहाँ पे मर्ज है और यहाँ पे भी मर्ज हो जाए, तो यहाँ की जो ये परिस्थितियाँ होती है ये काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसमें आपको पैतृक रूप से सहायता मिलती है जीवन में, आपने जो सीखा होता है, आपके जो अनुभव होते हैं वो आपके काम आते हैं, जो कि आर्थिक तौर पे आपको सहायता करते हैं, भाई बंधु वगैरह सबों से सहायता व्यक्ति को मिलती है, फैमिली के स्तर पे भी, पति पत्नी से संबंधित जो भी चीज़ों उनसे भी, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति, एक दूसरी और एक लास्ट में बात करेंगे आपके हृदय रेखा पे उपस्थित त्रिशूल के विषय में, जो कि एक तरीके से इतनी बेहतरीन अवस्था का निर्माण करती है, जो कि जिसके विषय में आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसी आपकी कल्पना हो कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और उन चीज़ों को ये पूरा कर दे, ठीक है। जीवन में कोई ख्वाहिशें आपकी अच्छी वाली कोई वैसी बाकी ना रह जाए जो कि शायद आप करना चाहते हो, यानी कि जीवन में संतोष देता है, संपत्ति देता है, प्रेम देता है, वाहन सुख देता है व्यक्ति को, गृह सुख देता है, और एक अच्छा सम्मान की भावना व्यक्ति के जीवन में होती है, दयालुता होती है, प्रेम होता है, समर्पण होता है, और कुछ हद तक निर्मोही होता है, ठीक है, पदार्थों से दूर और कहीं ना कहीं संलग्न में, लेकिन सब में रहते हुए भी सबसे दूर और काफ़ी बेहतरीन नज़रिए वाला, चीज़ों को देखने वाला, उन्हें समझने वाला, मन में कहीं भी लोभ मोह छल कपट प्रपंच जैसी परिस्थितियां से काफ़ी पृथक, काफ़ी अलग ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी हथेली में है तो आप इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे और इन चीज़ों को आप महसूस कर रहे होंगे, समझ सकते हैं। तो चलो यही था, अगली वीडियोज में कुछ और डीप में जाएंगे, चीज़ों को जानेंगे, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।